Hello friends, how are you all? Hope you will be fine. My today video topic is about injury during running. खेल कूद के दरमियान खासकर दौड़ते समय अक्सर खिलाड़ी घायल हो जाते हैं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो रनिंग और दूसरे खेलों से जुड़े खिलाड़ी और आम आदमी भी इस तरह की चोटों से बच सकते हैं। तो चलिए हम और आप आज के इस वीडियो में बात करते हैं खेल कूद के दौरान लगने वाली चोटों और उनसे जुड़ी सावधानियों के बारे में। सबसे पहली बात, चोट वाले स्थान पर जब तक दर्द और सूजन है तब तक ना दौड़े और ना ही किसी प्रकार की कोई एक्सरसाइज करे, पूरी तरह से आराम करे, क्योंकि चोट ग्रस्त होने पर आप एक्सरसाइज जारी रखेंगे तो इससे समस्या और ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए चोट के समय फुल रेस्ट करे, चोट से उबरने का धैर्य के साथ इंतजार करे, हड्डी में लगी चोट को हल्के में ना लेवे। जब हमारी हड्डी पर चोट लगती है तो हड्डी के भीतरी हिस्से यानी लिंगामेंट पर दबाव पड़ता है। ज्यादा दबाव पड़ने से लिंगामेंट टूट जाते हैं। लिंगामेंट हड्डी के भीतर का वो मुलायम हिस्सा होता है जो हमारी हड्डियों को सपोर्ट करता है। जब लिंगामेंट चोटग्रस्त हो जाता है तो उस स्थान पर तेज दर्द होता है। प्रभावित व्यक्ति चल फिर नहीं पाता, चलने में असमर्थ हो जाता है। ऐसी स्थिति में कम से कम 6 से 7 हफ्ते तक आराम करना चाहिए और चोट वाले स्थान पर हर 1 घंटे पश्चात 10 मिनट बर्फ से सेक करना चाहिए। बर्फ से सेक करने पर चोट वाली जगह पर रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, रक्त चोट वाली जगह पर इकट्ठा नहीं हो पाता, जिससे दर्द और सूजन भी नहीं होती। हर 1 घंटे पश्चात बर्फ का सेक करें, ज्यादा से ज्यादा आराम करें, चोट ग्रस्त हिस्से को ज्यादा हिलाए डुलाए नहीं। तो फ्रेंड्स, दौड़ते समय लगने वाली चोटों के दौरान सावधानी बरते और ज्यादा से ज्यादा आराम करे। नाउ ओके फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक करे, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।